हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डी स्टडी। आज लिक्विडेशन का लेक्चर नंबर सेकंड है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ लिक्विडेशन। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करेंगे टेक्स्ट बुक पेज नंबर 209 सम नंबर 11। क्या दिया है? Following is a balance sheet of Pooja Engineering Company Limited as on 31st December 2017 का बैलेंस शीट बना के दिया है कंपनी के अंदर। इस बैलेंस शीट में थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे, चेंजेस ये है सीजल, 3000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इच, लेकिन उसका पेडअप वैल्यू 80 रुपीज है। 4500 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इच 70 पेडअप है। इन शॉर्ट यहां पे इक्विटी शेयर के अंदर दो इक्विटी शेयर है और वो भी फुल्ली पेड नहीं है, पार्टली पेड है, 80 रुपीज 70 रुपीज, और उसके अलावा प्रेफरेंस शेयर भी है जो फुल्ली पेडअप है। तो इस पॉइंट को थोड़ा कंसिडर करना पड़ेगा, क्या कि जब आप पेमेंट का सीक्वेंस डिसाइड करते हो, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ पेमेंट, तो सबसे पहला काम होता है किसी चीज से जो सिक्योर्ड है पहले उसको भर दो, सिक्योर्ड होने के बाद कोई लिक्विडेटर का रेमुनरेशन पगार वगैरह वो पेमेंट कर दो, देन गिव अ पेमेंट टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, देन उसके बाद डिबेंचर होल्डर बोरोड फंड जो आएगा वो, एंड देन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। फिर पैसा बचता है तो किसको देंगे? प्रेफरेंशियल कैपिटल, प्रेफरेंशियल होल्डर को पेमेंट करेंगे। फिर पैसा बचेगा तो इक्विटी शेयर को, आज बहुत पैसा बचेगा इक्विटी शेयर होल्डर को देने तक आएगा। अभी तक जितने सम्स किए थे उसमें इक्विटी शेयर क्या प्रेफरेंस तक भी नहीं पहुंचे थे, एक सम में अपन प्रेफरेंस में पहुंच गए थे, बराबर है, क्लियर है? तो आज का सम थोड़ा सा अलग रहेगा कैलकुलेशन वाइज, जरा ध्यान रखना। देखते क्वेश्चन में क्या दिया, पहला जो करेक्शन मतलब पॉइंट टू भी कंसिडर था वो मैंने आपको बताया, 100 रुपया है 80 रुपीज, 100 रुपया है 70 रुपीज, यहाँ पे दो प्रेफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर्स है, क्लियर चेताली? और कुछ है क्या? आगे दिया है 8% डिबेंचर हैविंग फ्लोटिंग चार्जेस ऑन ऑल असेट्स, मतलब ये किसी चीज से सिक्योर्ड नहीं है, असेट बेच के जो पैसा आएगा उसे अपने को डिबेंचर होल्डर को पे करना है। आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट दिया है, क्रेडिटर्स दिया हुआ है, बाकी सारे असेट्स दिए। कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन एज ऑन अबाउ बैलेंस शीट डेट, प्रेफरेंस डिविडेंड वॉज इन अरियर फॉर लास्ट 3 years एंड इट वॉज टू बी पेड बिफोर पेइंग टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर ये नहीं भी बोलता तो भी हमारा फर्ज वही है, सबसे पहला जब आप सीक्वेंस पे करते हो प्रेफरेंस शेयर को पे करते हो, तो उसने बोला प्रेफरेंस डिविडेंड 3 साल से बाकी है और उसे इक्विटी शेयर कैपिटल को पे करने से पहले पे करना पड़ेगा, तुम नहीं बोलते तो भी हम वही काम करते थे। तो ये एक इन्फॉर्मेशन की तरह उसका आपको दे के रखा है। चैत्राली आगे देखते क्या दिया, सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूड लोन फ्रॉम बैंक ऑफ रुपीज 60,000, मतलब ये जो क्रेडिटर्स है इसमें 60,000 किसका है? बैंक का लोन का है, जिसको आपने सिक्योर किया है प्लांट एंड मशीनरी से, मतलब यहां पे क्रेडिटर्स अकेला था कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट एक्चुअल में ये क्रेडिटर्स अकेला नहीं है, ये क्रेडिटर्स का बाइफर्केशन है। इसमें 60,000 रुपया किस चीज का है? बैंक लोन का है, और ये सिक्योर्ड किया गया है प्लांट एंड मशीनरी। इन शॉर्ट जब भी आप प्लांट एंड मशीनरी बेचोगे, जो पैसा आएगा उस पैसे से आपको क्या करना है? बैंक लोन पे करना है। प्लांट एंड मशीनरी बेच के जितना भी पैसा आएगा उससे आपको इसको पे करना है, कम आया तो कम, ज्यादा आया तो जितना पे करने का उतना पे कर देंगे। समझ में आया क्या? आगे बढ़ते, सन्ड्री क्रेडिटर ऑल्सो इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स ऑफ 15,000, मतलब क्रेडिटर्स में दो पार्ट नहीं 3 पार्ट है, एक है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने का 15, और बाकी तुम्हारे कौन है? क्रेडिटर्स ही है, मतलब 2,40,000 का बाइफर्केशन क्या है, 60,000 का बैंक लोन, 15,000 का प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, और जो बच गया वो नॉर्मल क्रेडिटर्स। क्लियर? क्वेश्चन एक्सप्लेन करो, अभी तक मैं सम पे आया भी नहीं हूं। उसके अलावा असेट जो जो असेट रियलाइज हो उसका इन्फॉर्मेशन दिया है। लीगल चार्जेस ऑन लिक्विडेशन अमाउंटेड टू 1,500 रुपए, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हुआ, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन 1,500 प्लस 2% ऑन फिक्स असेट जो भी असेट बेचोगे, प्लस 4% अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल, इसके पहले सब सम में आता था एक्सक्लूडिंग, अब है इंक्लूडिंग, मतलब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को जो भी पैसा दोगे उस पर भी कमीशन आने वाला है। इसके पहले के 2 सम थे उधर वर्ड था एक्सक्लूडिंग प्रेफरेंशियल, तो हम प्रेफरेंशियल्स के ऊपर कमीशन कैलकुलेट नहीं करते थे, सिर्फ अनसिक्योर्ड पे कैलकुलेट करते थे, बट अभी
प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे भी कमीशन कैलकुलेट होगा। और कुछ है, लिक्विडेटर मेड अ पेमेंट ऑन 31 मार्च, बैलेंस शीट तो दिसंबर का है, मतलब जो भी खर्चा हुआ है वो कितने महीने तक हुआ है, मार्च तक हुआ है, मतलब जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने के बाद लिक्विडेशन हुआ है। लिक्विडेटर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, क्लियर है? क्लियर, स्टार्ट करते। सबसे पहला आप क्या करोगे, आपके पास कैश कितना है वो देख लो भाई, अपने पास कैश कितना है, पहले से 12,000 है, तो यहाँ पे लिक्विडेटर स्टेटमेंट में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देता हूँ। कितना लिखता हूँ, एक्चुअल में इधर बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये कैश अकाउंट नहीं है, अगर कैश अकाउंट है तो बैलेंस लिखते हैं, ये लिक्विडेटर का अकाउंट है तो इधर कैश अकाउंट नहीं लिखते। यहां पे आप क्या लिखने वाले, मतलब बैलेंस नहीं लिखे, यहां पे क्या लिखोगे, 2 सन्ड्री असेट्स। सन्ड्री असेट में सबसे पहला मेरे पास कौन सा असेट है, कैश, कितने का, 12,000, मतलब मेरे पास कैश कितना अभी है, 12,000। उसके बाद मैंने क्या किया है, सारे असेट्स को बेचे, बराबर है कि नहीं, चलिए असेट्स को बेच दिए, कौन से असेट्स को बेचे, लैंड एंड बिल्डिंग को बेचा, प्लांट एंड मशीनरी को बेच तो रहा हूं बट वो इसके लिए बिकने वाला है, मतलब इसको अलग से अपन रखेंगे, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग बेचेंगे, इक्विपमेंट बेचेंगे, फर्नीचर बेचेंगे, स्टॉक बेच देंगे, डेटर्स बेच देंगे, बिल सब बेचेंगे तो सबका पैसा आएगा, इसका भी पैसा आएगा, बट इसका पैसा किधर यूज होगा, बैंक लोन पे करने में। हाँ जी, चलिए फिर अमाउंट देख लिया, एक एक करके मेरे को बोलते जाओ। सबसे पहला है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितने में बेचा भाई, 322,500। उसके बाद क्या है देखो जरा, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी बट वो कंसीडर नहीं कर रहे, उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट कितना है, 19,500, तो भाई ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट कितना, 19,500। फिर क्या है, फर्नीचर 12,000, नेक्स्ट उसके बाद स्टॉक कितना है, 1,05,000, फिर डेटर्स कितना है, 90,000, फिर बिल्स रिसीवेबल, वेरी गुड, कितना है, 21,000, फिर बस एक जन टोटल कर लो कितना पैसा आया है कैलकुलेटर में, 5,82,000 अब तक आया है, और भी पैसा आया अपने पास, कौन सा, तो प्लांटर मशीनरी का। हाँ जी, चलिए अब प्लांटर मशीनरी का पैसा है बट वो पैसे से अपने को क्या करने का, बैंक लोन पे करना है, तो भाई हम लोग लिखेंगे 2 बैंक लोन, कितना पे करना था, 7 लेस प्लांट एंड मशीनरी, आया कितना, 75,000, तो मेरा कैश कितना बच गया, 15,000। सर नेगेटिव, नहीं पॉजिटिव, क्योंकि कैश आया 75, जाएगा सिर्फ 60, तो बचेगा 15,000 ना पॉजिटिव में ही, मैंने माइनस नीचे दिखाया बट एक्चुअल में कैश कितना आया, 75, गया कितने का लोन, 60 का, तो पॉजिटिव कितना बचा, 15,000। समझ में आया, तो आपके कैश में फिर से वापस एक बार, ओके ठीक है, अगर ऐसा नहीं समझ में आया तो ऐसा लिखता हूं, चलो 2 प्लांट एंड मशीन कितना पैसा आया, लेस बैंक लोन पेड कितना, 60,000, कितना बच गया, बस ये सही लगा, ओके ठीक है, आपके पास पैसा कितना था, 5,82,000 प्लस कितना, 15,000, 5,00,000, अभी इतना पैसा है बट असेट रियलाइज कितने का हुआ था, असेट रियलाइज कितने का हुआ था, 5,82,000 में से पहले 12,000 निकाल दो, 5,82,000 में कैश तो निकाल देना ना अपने को, तो 5,70,000 प्लस 75,000 कौन सा इसका, तो टोटल असेट कितने का रियलाइज हुआ है, 6,45,000, इतने का मैंने असेट्स बेचा है, इसे कहते हैं असेट रियलाइज। समझा सर ऐसा क्यों किया, एक्सप्लेनेशन इसके बाद आपको मिलेगा, आपने इसके पहले 3-4 समझी आपको मालूम है क्यों किया मैंने, बट फिर भी एक बार, मैंने केशव टोटल इतना पैसा मेरे पास है वो मैंने दिखाया, ये सब ऐड करके पैसा मेरे पास जेब में इतना है बट मैंने असेट बेच के कितना कमाया, तो मैंने ये सारे असेट्स बेचे, उसमें ये भी तो बेचा ना, तो 5,82,000 में कैश का भी 12,000 है, पहले वो कैश निकाल दिया, तो मैंने असेट कितने का बेचा, 5,70,000
प्लस प्लांट एंड मशीनरी 75, तो टोटल कितने का असेट बेचा है? 6,45,000 का। क्लियर हुआ? उसमें से आपने 60,000 इसको दे दिया और बाकी तो आपका कैश है। क्लियर हुआ? एट प्रेजेंट पैसा कितना है मेरे जेब में? समझ में आया यहाँ तक? हाँ जी, क्या नहीं समझा आपको? मतलब क्या क्या बोलूं बैंक लोन में? बोल बेटा, बैंक लोन 60,000 पे कर दिया तो क्या वापस क्या बोलू? वो बोलते, मैं बोलता हूँ ना, मेरे को तेरा डाउट ही नहीं समझा। तेरे को वापस बोलो बोल रहे, तो क्या बोलू वापस? वो बोल, देख प्लांट एंड मशीनरी का जो भी पैसा आएगा उसे बैंक लोन पे करने का। बैंक लोन कितने का लिया था? 60,000 रुपए का। बट प्लांट एंड मशीनरी का पैसा कितना है? 75। तो 75 है, बैंक को कितना दूंगा? 60 ही दूंगा ना, बाकी 15 तो मेरे पास कैश रहेगा ना। मेरे पास 15 कैश है ना। किसमें? अच्छा अच्छा एक मिनट, वापस जो तेरे डाउट है वो समझ। मेरे पास जितने भी असेट थे सब बेचा मैंने, सब असेट बेचा, ये सब असेट बेचा, इसका टोटल कर, इसका टोटल कर आएगा 6,45,000। सिंपल भाषा, मैंने इतना असेट बेचा, ये है ना, ये इसका टोटल कर, इसका टोटल आपको आएगा ये 6,45,000। बस यही है और कुछ नहीं। बस मैंने टोटल कितने का असेट बेचा? तो मैंने टोटल इतने का असेट बेचा। तो सर आप वो अलग 5,70, 75 क्यों कर रहे? ये समझ में आया? मैंने यही किया, उधर लिखने का तरीका अलग था बट किया यही है। ठीक है, आप लोगों को समझा? तो इतने का असेट बेचा मैंने और इसका टोटल कितना आया? 6,45,000। कैसे आया तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये सब असेट से बेचा है ना आपने, उसके अंदर ये भी तो बेचा है ना आपने, इन सब को ऐड करो वो आ जाएगा। अब इन सब मैंने पहले इन सब का टोटल लिया था जो कि था 5,82,000, तो उसमें से 12 निकाल दिया मैंने क्योंकि वो असेट तो पहले से है ना मेरे पास, तो बेचा तो इतना ही ना प्लस ये भी बेचा, तो मैंने वही किया 12 निकाल दिया, 5,70 हुआ प्लस 75 ऐड किया 6,45,000। समझा अभी? क्लियर है चित्राली? अब मेरे पास पैसा कितना है? 5,97,000 ही है। क्यों 5,97,000 क्यों है? टोटल था 5,82,000 प्लस इधर 15,000 बचा, तो मेरे पास टोटल कितना है? 5,97,000 रुपीज है, जिसमें कैश भी इंक्लूडेड है। अरे हाँ, अब इस पैसे से सबको पे करना है। सबसे पहला किसको पे करेंगे? जो सिक्योर था वो तो पे कर दिया, अब हम किसको पे करेंगे? लिक्विडेटर्स को। चलिए लिक्विडेटर्स में देख लो, पहला तो है लीगल चार्जेस 1,500 रुपए, लिक्विडेटर को 3,900 देना है। हाँ जी, उसके बाद लिक्विडेटर का रेमुनरेशन देने का है 1,500 रुपए, 2% कमीशन ऑन असेट एक्सक्लूडिंग कैश, मतलब असेट रियलाइज, असेट रियलाइज तो जो अमाउंट अपन कैलकुलेट करते इसका उसको कितना कमीशन देने का है? 2%, इसलिए इसको अलग से कैलकुलेट करते आप। अरे समझा? चलिए बढ़ेंगे अंजलि। उसके बाद उसको 4% कमीशन देने का है, अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, दोनों के ऊपर कितना परसेंट कमीशन देने का है? 4%। फिर लिक्विडेटर को पेमेंट किया आपने 31 मार्च, ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर डिबेंचर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है। क्लियर? चलिए पेमेंट कर देता हूं, 1,500, 3,900, 1,500 और 2% किसका आएगा? 6,45,000 का। चलिए 6,45,000 का 2% कैलकुलेट, 12,900। चलिए पेमेंट करते हैं, सबसे पहला बाय लीगल चार्जेस। देखो सबसे पहला लीगल चार्जेस या लिक्विडेशन चार्जेस, लीगल चार्जेस कितना है? 1,500 रुपए पे करना पड़ेगा, पहला 1,500 रुपए। हाँ जी, फिर आपको क्या पे करने का? लिक्विडेशन का एक्सपेंस कितना? 3,900 बाय लिक्विडेशन एक्सपेंस कितना? 3,900। फिर बाय लिक्विडेटर रेमुनरेशन बराबर है 1,500 प्लस 2% प्लस 4% बराबर 1,500 प्लस 2% प्लस 4% तो 1,500 तो मालूम है, वो भी आपने कैलकुलेट किया 12,900। क्लियर? प्लस अब अनसिक्योर्ड को कितना देने का है, प्रेफरेंशियल को कितना देने का है? पिछले सम तक
हम क्या करते थे, माइनस करके जो अमाउंट आता था वो 102% लिखते थे, फिर उसका 2% कैलकुलेट। बट इस सब में वैसा नहीं सर, क्यों? पिछले दो सम जब आप कर रहे थे कौस्तुभ, तो उसके अंदर अपने पैसा कम था, आज अपने पैसा भरपूर है। मतलब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स या प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स सबको पूरा पैसा मिलने वाला है। पिछला दो सम रेफर करना, उनको जितना देने का था ना उससे कम पैसा दिया था, पूरा पैसा नहीं दिया था। पिछला दो सम फॉर एग्जाम्पल मुझे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देना था 80, बट मेरे पास सिर्फ 70,000 ही था, कम पेमेंट हो रहा था सम चेक करना। तो इसका मतलब हमने उसका 102% वैल्यू लेके 2% कैलकुलेट किया। बट अभी आज के समय में अपने पास भरपूर पैसा है, जब भरपूर पैसा है तो जितना उनको देने का है उसका अपन कमीशन निकाल सकते हैं डायरेक्टली। तो अपने को अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कितना देना है, प्रेफरेंशियल को कितना देना है, ये अमाउंट मालूम होना चाहिए। टोटल मेरे क्रेडिटर्स कितने के, 2,40,000। इसके तीन पार्ट थे, जिसमें बैंक लोन था 60,000 का, जो कि मैंने पे कर दिया, इस पे कोई कमीशन देने का है क्या मेरे को केशव? नहीं। उसके बाद 15,000 क्या है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, इसमें मुझे कितना कमीशन देने का है, 4%। तो 15,000 का 4% कैलकुलेट करो, इसका 4% 600 रुपया। 2,40,000 में से 75 माइनस कर दो, कितना बचता है, 1,65,000। ये किसको दूंगा मैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स बचा ना ये, इसका कितना परसेंट, 4%। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, तो यहां पे और कितना ऐड हो जाएगा, 600 प्लस 6,000 7,200 बराबर। तो हमने टोटल रेमुनरेशन कितना पे किया, 1,500 प्लस 12,900 प्लस 7,200, कितना, 21। अरे समझा, इधर हम पे करें 21,600। अंडरस्टूड हाँ या नहीं? वापस से एक्सप्लेन करूं, वापस एक्सप्लेन करूं, जरा जाग जाओ और सुनो समझो ध्यान से वापस एक बार। हाँ जी बोलना बेटा, बोल वापस। चलिए देखो हुआ क्या, आज सब आलसी है, सब के सब, और ऐसा नींद में बैठे हैं ना, ऐसा बैठे नहीं, सब नहीं रहे कुछ, और वो कुछ के वजह से और कुछ हो रहे, और कुछ के वजह से और कुछ आलसी हो रहे। वापस एक बार ध्यान दो, आज का दिन ध्यान देते, तो तू गिली हो गई क्या? बस आयुष ज्यादा सोचना नहीं, इधर ध्यान देना है। वापस एक बार फिर से, हाँ सब जाग गया अभी, चलो तेरे जोक से सब जाग गया, अब ध्यान दे। तेरे को जगह बराबर मिल रहा है ना, क्या तेरा जगह चेंज हो रहा है? चलो वापस एक बार, वापस एक बार चैत्राली ध्यान दे। क्वेश्चन में ऐसा दिया था कि भाई जितना असेट्स आएगा ना उसको बेच के अपने को पेमेंट करना, तो पेमेंट का सबसे पहला पेमेंट किसको करें, जो सिक्योर्ड रहता उनको करते, उसके बाद लिक्विडेटर को देते, उसके बाद आप प्रेफरेंशियल को देते, फिर डिबेंचर और अनसिक्योर्ड को पे करते, फिर प्रेफरेंशियल होल्डर एंड योर इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे। अभी आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास पैसे में बहुत पैसा इस सम के अंदर, हमारे पास 5,00,000 रुपया है, 5,00,000 रुपया। मेरे को 5,00,000 रुपए के अंदर देना कितना था, सिर्फ 2,40,000 ही देना था। अगर आप देखो क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है, 2,40,000 ही है ना, इसके अंदर बैंक लोन तो ऑलरेडी पे हो गया है, मतलब 15,000 और 1,65,000, उतना पैसा तो मेरे पास है ना। बट पिछले दो सम में पैसा नहीं होता था अनसिक्योर्ड को पे करने के लिए, तो हम उसको जो भी अमाउंट बैलेंस आता था, कैश बैलेंस आता था अपना, उसको बोलते थे भाई ये 102% है तो 2% कमीशन कितना, पिछले लेक्चर में किया है ये। बट इधर अपन ने ऐसा क्यों नहीं किया, इधर नहीं करने का रीजन ये कि मेरे पास पैसा है, भरपूर पैसा है, तो मैं क्या करूंगा, तेरे को कितना देने का है बता भाई, तेरे को 1,65,000 देने का, ठीक है 1,65,000 पे मेरे को 4% क्या मिल जाएगा, कमीशन, तो 1,65,000 का 4% कमीशन। प्रेफरेंस शेयर को भी कमीशन देने के लिए, ठीक है 15,000 का 4% कल 600 रुपया, मतलब लिक्विडेटर को मुझे प्रेफरेंस शेयर का भी कमीशन देने का है और अनसिक्योर्ड का भी कमीशन देने का है, पे करना है ना, तो मेरे लिए तो एक्सपेंस ही है। तो मैंने बोला भाई 1,500 रेमुनरेशन वो ले रहा था, 2% वो असेट का ले रहा था, असेट कितना बेचा, 6,45,000, उसका 2% निकला, प्लस 4% किसका, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितना है, 15,000, 15,000 का 4% कैलकुलेट किया, अनसिक्योर्ड कितना बचा, 1,65,000, कैसे, 2,40,000 था, 60 निकल गया,
15 निकल गया तो 240 में से 75 निकल गया, बच गया 165, ये मेरा अनसिक्योर्ड है, उसका 4% कैलकुलेट। इन शॉर्ट मेरे को टोटल कमीशन कितना देने का 21,600। तो यहाँ पे मैं लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन कितना लिखूंगा, 21,600। बात समझा क्या? समझ में आया? पक्का समझा? 100%? ऐसा कोई जिसको नहीं समझा है? क्लियर है? अभी लिक्विडेटर को पे कर दिया, आप किसको पे करेंगे? प्रेफरेंशियल को। इसके बाद तो प्रेफरेंशियल है, तो बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितना? 15,000। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बाद किसको पे करेंगे? डिबेंचर्स को। तो बाय कितना परसेंट डिबेंचर्स है भाई, देख लो जरा। 8% डिबेंचर कितना है? 1,50,000 रुपया। तो बाय डिबेंचर्स 1,50,000। हाँ जी, पेमेंट बाद में माइनस करता हूँ सब। 1,50,000। इसके साथ ही साथ इंटरेस्ट भी होगा, देखो इंटरेस्ट भी इसका आउटस्टैंडिंग है, कितना है? 6,000। तो बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना? 6,000। और एक डिबेंचर का इंटरेस्ट, वो जो इंटरेस्ट है वो कब तक का है? दिसंबर तक का ही ना। बट भाई साहब ने लिक्विडेशन कभी किया? मार्च में, मतलब और 3 महीना जनरेट हो गया, जनवरी फरवरी मार्च। तो 1,50,000 के ऊपर कितना परसेंट? 8%। कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 3,000 रुपया। तो ये भी मुझे पे करना पड़ेगा उसको। तो बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना? 3,000। इतना समझा? फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना पे करूंगा? 1,65,000। हाँ जी, चलिए अब पेमेंट माइनस करते, देखते कैश बचा है। अगर कैश बचा रहेगा तो पहले डिविडेंड, फिर प्रेफरेंस शेयर्स और फिर इक्विटी शेयर्स। पहले देखो, सिक्योर्ड पे कर दिया, लिक्विडेटर को पे कर दिया, प्रेफरेंशियल पे कर दिया, डिबेंचर्स पे कर दिया और फिर अनसिक्योर्ड पे कर दिया। डन। चलिए पेमेंट में आपने क्या क्या पेमेंट किया, इन सब का टोटल ले लो ना, कितना रहे? 3,00,000। अपने पास पैसा कितना था? 3,66,000। 2,31,000 है। अब जरा देखते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना देना है। तो उसने बोला डिविडेंड 3 साल से बाकी है। कितने साल से? 3 साल से। कितना परसेंट डिविडेंड है? तो 1,50,000 का 8% कैलकुलेट करो। 1,50,000 का 8% कैलकुलेट करो, 1 साल का हुआ तो 3 साल के लिए कितना? 36, 12, 12, 12। तो भाई पैसा है क्या अपने पास? अरे सर बहुत पैसा है। तो बाय प्रेफरेंस डिविडेंड कितना? 36,000। तो माइनस 36,000, 1,95,000। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पैसा देने का? 1,50,000। उसको भी दे सकते बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1,50,000। 1,50,000 कितना बचा? तो ये किसको देंगे? इक्विटी शेयर। समझ में आया? बेसिक नॉर्मल सम होता तो मैं डायरेक्टली लिखता यहां पे बाय इक्विटी शेयर, और मैं इधर लिखने वाला भी हूं इक्विटी शेयर ही, मैं इधर लिखने वाला भी हूं 45,000। बट जरा ध्यान रखना, यहां पे 2 इक्विटी शेयर होल्डर है, तो कौन से शेयर होल्डर को कितना देने का ये कैसे डिसाइड करेंगे? क्योंकि ये 45,000 इक्विटी शेयर होल्डर को देने का, और इक्विटी शेयर होल्डर कितने? 2। समझ में आ रहा है? तो यहां पे 45,000 कैसे देने का उसका एक वर्किंग है। ये प्रॉब्लम टैली हो गया भाई, 45,000 का प्रॉब्लम इज टैली, खत्म हो गया, स्टेटमेंट इज डन। 45 बैलेंस आया ना, डन हो गया ना। अरे समझा? बट हाँ, 45 आएगा, क्लोज हो गया। अब देने का कितना है तो जरा ध्यान देना, इक्विटी शेयर होल्डर को पे कितना करेंगे? मेरे पास कैश कितना है? 45 है, जबकि मेरे को इक्विटी शेयर होल्डर को देना कितना था? 2,40,000 प्लस 3,15,000। कैलकुलेट करो, 2,40,000 प्लस 3,15,000, 5,00,000। मेरे को टोटल देना था 5,55,000, मेरे पास है कितना? कितना बचा? डेफिसिट में चल रहा है इतना,
45 दिन ही गए, ये तो मेरे को मालूम है, जबकि उनको देना कितना था 5,55,000। 45 देने के बाद भी उनको और कितना देने गए, 5,10,000। इनका पेंडिंग बैलेंस कितना है, 5,10,000। और ये 5,10,000 कितने शेयर होल्डर का है, 3,000 + 4,500, टोटल कितने हो गए, 7,500। तो भाई 5,10,000 डिवाइड बाय 7,500 करो कितना आ रहा है, मतलब एक शेयर होल्डर को मुझे कितना पे करने का है, 68 रुपीज पे करने का है। ये दे दिया मैंने, 5,10,000 देने का बाकी है, तो एक शेयर होल्डर को कितना देने का अभी, समझ में आया क्या? हाँ जी। अब आ जाता हूं कैलकुलेशन पे। एक है 3,000 और एक है 4,500, दो शेयर होल्डर है या नहीं? ये 3,000 शेयर होल्डर ने कितना पैसा दे रखा है मुझे, 80 एक शेयर पे, 3,000 ने 80 रुपया दे रखा है, जबकि उनको देना कितना है, -68, तो एक्स्ट्रा कितना आया, 12 रुपया एक्स्ट्रा आया। 3,000 × 12 करो, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, भाई देख 80 रुपया तेरे शेयर्स का है कीमत, आज हम आपको कितना पे कर सकते हैं, 68 रुपीज, भाई तेरा नुकसान हो गया, ये पैसा दे सकते क्या अपन, नहीं। तो आपका नुकसान कितना डूब गया, 68, 80 लगाया था, 68 डूब गया, बचा कितना, 12, मतलब 12 रुपया तो दे। 3,000 शेयर होल्डर मेरे से 12 रुपया मांगे, मतलब कितना मांगेगा, 36 मांगेगा। सेम यहाँ पे इसका पेड अप वैल्यू कितना है, और शेयर का कीमत 68 है जो डूब गया, इधर 2 रुपया, तो 45 × 2 करो कितना आ रहा है, 9,000 आ रहा है। 36 + 9 कितना होता है देखो, मतलब हम यहाँ पे शेयर होल्डर को कितना पैसा दे रहे, एक 3,000 शेयर होल्डर को कितना पेमेंट करेंगे, 36,000 और 45,000 4,500 कितना पे करेंगे, 9। इस तरह से आप 45,000 का बाइफर्गेशन दिखा रहे हो, इधर प्रॉब्लम खत्म, ये हो गया कंप्लीट। बट इसके अंदर आपको बाइफर्गेशन क्यों दिखाना पड़ा, बिकॉज यहाँ पे दो इक्विटी शेयर थे, अगर एक इक्विटी शेयर होता तो ये सब दिखाने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो, बाय इफ यू वॉन्ट यू कैन प्रेजेंट हियर बाय इक्विटी शेयर पेड अप वैल्यू कितना, 80 कितना दिया, 36,000 बाय इक्विटी शेयर पेड अप वैल्यू 79,000 तो भी चलेगा। समझ में आ गया सब, और ये क्यों किया समझा क्या? ये करने का रीजन सिर्फ और सिर्फ ये था, बिकॉज यहाँ पे दो इक्विटी शेयर थे, अगर एक इक्विटी शेयर होता तो आप इतना मगजमारी नहीं करते। क्लियर है क्या? चलिए सेम सम और एक ले रहा हूं, सेम, बट यहाँ पे सिंगल इक्विटी शेयर होल्डर है, कंसेप्ट इज सेम, एवरीथिंग इज सेम। यहाँ पे भी देखो 100 रुपया है, 60 रुपया पेड अप है, बराबर है, सेम सम है, कुछ भी नया नहीं है, खाली थोड़ा सा वर्किंग में अपन चेंज करने वाले, बाकी एवरीथिंग इज सिमिलर। क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक पेज नंबर क्या है, 411 चलिए देखते क्या दिया। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2000, मार्च का बैलेंस शीट बना के दिया है, प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर है, रिजर्व एंड सरप्लस है, सिक्योर्ड लोन है, 14% डिबेंचर हैविंग फ्लोटिंग चार्जेस ऑन ऑल द असेट, ऑल द असेट, असेट बेच के जो भी आएगा इसको पे कर दो, इंटरेस्ट दिया हुआ है, लोन ऑन मॉर्गेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोन लिया है वो लैंड एंड बिल्डिंग के लिए लिया है, मतलब पूर्वा लैंड एंड बिल्डिंग बेचेंगे, जो भी पैसा आएगा वो किसको पे करेंगे, लोन को, अनसिक्योर्ड लोन कुछ भी नहीं है, क्रेडिटर्स दिया है 1,17,800, असेट में सब असेट्स आपको दिए गए हैं, कैश आपको दिया गया है। 31st मार्च को ही देखो, मार्च 2017 को कंपनी इंटू लिक्विडेशन गया, डिविडेंड ऑफ 14% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अरियर फॉर 1 ईयर, एक साल से डिविडेंड बाकी है, क्रेडिटर्स इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 30,000, सेम इसमें 30,000 किसका है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का है, असेट रियलाइज में लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, पेटेंट है, स्टॉक है, डेटर्स है, ये सब असेट्स को आपने बेचा है, लेकिन ध्यान में रखना लैंड को रियलाइज करोगे, बिल्डिंग को रियलाइज करोगे, तो ये दोनों पैसा लोन में जाएगा, बट बेचना तो है, प्लांट एंड मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर्स है, पेटेंट है, डेटर्स और कुछ है क्या, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दिया है 29,
434. लिक्विडेटर कमीशन दिया 2% ऑन असेट रियलाइज, 2% अमाउंट पे टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अदर देन प्रेफरेंशियल. देखो अदर देन प्रेफरेंशियल मतलब यहाँ पे प्रेफरेंशियल क्रेडिट्स को कमीशन देने की जरूरत नहीं है. ऑल पेमेंट वेयर मेड अप टू 30th June. और एक इंपॉर्टेंट डेटा है, 30 June तक पेमेंट हुआ है. साल कभी खत्म हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो 3 months का इस पे क्या क्रिएट होगा, इंटरेस्ट. इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज, देखो मॉर्गेज का इंटरेस्ट इग्नोर करने बोला है. अगर ये मॉर्गेज लोन पे परसेंटेज दिया रहता तो इस पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, और डिबेंचर पे तो आप करते ही हो. समझ में आ रहा है? हाँ जी, चलिए. क्या मालूम आज क्या हुआ आप लोगों को, बट फिर ठीक है, स्टार्ट करता हूँ. टू सन्ड्री असेट बेस, होली तो कल है ना, होली दहन है आज. पहला है कैश, कितना बैलेंस है देखो कैश का, कैश का बैलेंस कितना है. हाँ वो कल की बात, कल बेटा. कैश बैंक कितना, 60,000. उसके बाद सारे असेट्स रियलाइज किए, लैंड और बिल्डिंग रियलाइज होके कहाँ जाएगा, लोन में. तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग का रियलाइजेशन लिख रहा हूं. टू लैंड एंड बिल्डिंग 280,000, 280,000. इसमें लेस लोन, देखो लोन कितना पे करना था, लोन कितना पे करने का, 1.5 लाख. तो भाई इधर माइनस करूंगा 1,50,000, जैसे पिछले सम था. 1,30,000 इसका पैसा बच गया मेरे पास. नेक्स्ट आगे बढ़ते, प्लांट रियलाइज किया, पेटेंट रियलाइज किया, स्टॉक रियलाइज किया, डेटर्स. आप लोग इस बुक के फटाफट एक एक करके बोलते जाना तो मैं लिखते जाता हूँ. चलिए पहला है प्लांट, कितने में, 5 लाख रुपए में. पेटेंट रियलाइज किया कितने में, 50. उसके बाद स्टॉक रियलाइज किया 1,60,000 में. फिर डेटर्स रियलाइज किया कितने में, 2 लाख रुपए में. फिर बस इतना ही, और कुछ है क्या, नहीं. चलो कैलकुलेशन कर लेते, असेट्स कितने का रियलाइज किया, तो टोटल अरेस रियलाइज हुआ 2,80,000. 5 लाख कैलकुलेट करते रहो, 2,80,000 प्लस 5 लाख, 50,000, 1,60,000 और 2 लाख, टोटल ऐड करो कितना हो गया, 10,90,000. सब अलग अलग, 11,90,000. नहीं बेटा, असेट रियलाइज कितना हुआ, 11,90,000. ये अलग से लिखता हूं बिकॉज इसपे कैलकुलेशन होता है कमीशन का, बराबर है. अब कैश कितना है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये सबको ऐड करेंगे तो टोटल कैश मिल जाएगा. मतलब इन सबको ऐड करके 1,30,000 को ऐड करो जिसमें कैश भी आएगा. कितना है कैश, 12 लाख. हाँ एक मिनट रुका ही हो, 1,30,000 को भी ऐड करने का कितना है, 13,80,000. मेरे पास टोटल कैश है 13,80,000. 13 लाख कैसे आया, इसका टोटल और ये टोटल को ऐड किया. उम्र हो गया बेटा, सबर, 11 लाख. मैंने बोला इसका टोटल, मैंने यही बोला ना आपको, इसका टोटल कितना आ रहा है, मेरे पास टोटल इतना पैसा है. ये असेट रियलाइज है, असेट रियलाइज 11,90,000 हुआ है. इसमें भी मिस्टेक है मतलब तुम्हारा, आराम से वापस सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ वैसा कैलकुलेट करने का. असेट रियलाइज में क्या क्या हुआ, 2,80,000 कैलकुलेटर पे, 2,80,000, 5 लाख, 50,000, 1,60,000, 2 लाख रुपए, 11 लाख. असेट रियलाइज 11,90,000, बराबर है. एनी डाउट, क्लियर, 100% क्लियर. असेट रियलाइज हो, अब पैसा कितना है मेरे पास, तो टोटल पैसा मेरे पास 11,00,000 रुपया है. क्लियर है, तो टोटल असेट कितना रियलाइज हुआ है, 11,90,000, बट मेरा कैश कितना है, सिर्फ 11,00,000 रुपए. क्लियर है कि नहीं. अब हुआ क्या, यहाँ पे पैसा तो सब आ गया, पेमेंट करना. तो पेमेंट में सबसे पहला पेमेंट लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का करने वाले, क्योंकि आपने सिक्योर्ड को तो पे कर दिया है. लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितना पे करोगे, 29,000
434 प्लस लिक्विडेटर को कमीशन कितना दोगे 2%। किस चीज का? जितने का आपने असेट रियलाइज किया है। असेट कितने का रियलाइज हुआ है? 1,90,000। समझ में आया क्या? तो 1,90,000 का कितना परसेंट कैलकुलेट होगा? 2%। उसके बाद 2% ऑफ अमाउंट टू बी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना ये अपने को पहला फाइंड करना पड़ेगा। तो टोटल क्रेडिटर्स है 1,17,800। इसके अंदर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने का है? तो यहाँ पे किधर तो आपने देखा था प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितना है 30। तो अगर 30,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है तो बच गया वो मेरा क्या है अनसिक्योर्ड 87,800। समझ में आया? तो 87,800 का कितना परसेंट कमीशन चार्ज करेगा वो? 2%। इस पे कोई कमीशन चार्ज करेगा क्या? नहीं, इसके पहले इस पे भी किया था बट अभी इस पे नहीं। तो इस पे कितना? 1756। तो अब लिक्विडेटर को कितना पे कर रहे? 29,000 तो ये दे रहे, प्लस 2% किसका दे रहे? असेट का। प्लस 2% किसका दे रहे? इसका। समझ में आया? मतलब 1,90,000 का कितना परसेंट कैलकुलेट करो? 2% कैलकुलेट करो। कितना आ रहा है? 23,800 प्लस 1756, 2% असेट रियलाइज, 2% प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का, बराबर है, और 29,430। इतना पेमेंट समझ में आया? चलिए पेमेंट पे आ जाते। तो यहाँ पे बाय पहला क्या पेमेंट किया भाई अपने इसको? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। तो बाय लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 29,434। फिर बाय लिक्विडेटर रेमुनरेशन। रेमुनरेशन में कितना पे किया रेमुनरेशन? तो हमने रेम्यूनरेशन पे किया 23,800 प्लस 1756, 556। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे 25,556 डन। यहाँ तक लिक्विडेटर का खत्म हो गया। अब लिक्विडेटर के पास किसको पे करते हैं? प्रेफरेंशियल को। तो प्रेफरेंशियल कितना है? 30,000। तो प्रेफरेंशियल को पे कर देंगे 30,000। तो बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 30,000। उसके बाद क्या है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बाद अपन किसको पे करने वाले? डिबेंचर्स को। तो भाई डिबेंचर्स है, हाँ जी, 2,30,000 है और उसके बाद इंटरेस्ट भी है। और 2,30,000 प्लस 32,200, तो बाय 14% डिबेंचर्स। 2,30,000 बाय इंटरेस्ट 32,200, और एक इंटरेस्ट आएगा बाय इंटरेस्ट फॉर कितने मंथ्स? 3 मंथ्स। कैसे? तो 2,30,000 का कितना परसेंट? 14%। कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है? 8,050। ये समझ में आ गया? क्लियर है? बट डिबेंचर्स पे हो गया। अब उसके बाद हम किसको पे करते? बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 87,800। ये कौन से आया सर? अभी तो आपने किया ना 87। तो अब देखो पैसा कितना है आपके पास। मेरे पास 11,00,000 रुपए था, इतना पेमेंट कर दिया मैंने, तो माइनस कर देंगे इन सब का टोटल। माइनस कर दो, ये सब का टोटल ले लो अच्छे से, खाली लास्ट नहीं बोला, सब बोला मैंने। 4,43,040 माइनस कर दो 6,56,960। हाँ, भड़को मत, 6,56,960। बस अभी मेरे पास इतना पैसा है। अब इसमें सबसे पहला किसको पे करना पड़ेगा? डिविडेंड को। कितने साल से डिविडेंड बाकी है? 14% शेयर का डिविडेंड बाकी, कितने साल का? 1 ईयर का। प्रेफरेंस शेयर कितना है? 4,00,000। 4,00,000 का 14% कैलकुलेट करो कितना आ रहा है? 4,00,000 का 14% 56,000। पैसा है अपने पास? हाँ जी है। तो बाय प्रेफरेंस डिविडेंड कितना? 56। भाई भर दो 56,000, तो आया 6,00,960 है। प्रेफरेंस शेयर को 4,00,000 देने का है, अभी तो कैलकुलेट किया ना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना? 4,00,000 रुपए। तो भाई माइनस 4,00,000 रुपए, 2,09,60, बराबर। क्लियर यहां तक? इक्विटी शेयर अकेला है तो उसको पूरा 2,09,000 दे सकता हूं। देना कितना है उसका एक्चुअल में देख लो जरा,
देना कितना है 4,80,000, मतलब 2,00,000 तो आप दे ही सकते हो। तो यहाँ पे बाय इक्विटी शेयर होल्डर 2,09,60,000, टैली तो होएगा ही ना, समझ में आ गया पक्का। तो आज के लिए इतना है, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।